भिन्नात्मक रूप में लिखिए। तो इन क्वेश्चन को हम किस रूप में लिखना, भिन्नात्मक रूप में दी गई कैसे करणी के रूप में दिया गया, इसमें भिन्न के रूप में बदलना। भिन्नात्मक मतलब क्या है, यानी कि पावन तीन बटा दो या पाँच बटा दो कुछ इस प्रकार है। तो इसके लिए आप कुछ नियम जान लेंगे, कुछ नियम आपको पहले बताए गए थे। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया था, यदि देख लीजिए एक बार पूछ लो नियम क्या था। देखिए गुणा करते समय धाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। गुणा करते समय धाते जुड़ती हैं, कब जुड़ती हैं, ये नहीं कि आप ये गुणनफल कर लेंगे और इनके घातों को जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। कब जोड़ना में है, जब इनका बेस यानी आधार जो है क्या हो, समान हो। आधार का मतलब जैसे कोई संख्या लिखा गया है एक ही पावर यह, एक पावर यह जो नीचे की तरफ रहेगा, यानी कि हमारा आधार है जिसे हम कहते हैं बेस, इंग्लिश में कहते हैं बेस, और यन जो यहाँ ऊपर की तरफ इसे कहते हैं घात, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं पावर। ठीक है, तो हमारा ये नीचे वाला यानी बेस जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। घाते चाहे जो जुड़ जाए गुणा कर, समान ये घात यम है और ये घात यन है। जब आप गुणा करेंगे तो बेस को एक बार लेंगे समान है और घात यम प्लस यन। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला तैयार होता है, ये देखिए आपका एक फार्मूला तैयार। दूसरा नियम यह है कि भाग, ये तो गुणा था, मान लीजिए भाग होता, भाग करते समय, भाग करते समय बेस को एक बार लिखेंगे सेम वही नियम, बस केवल क्या करेंगे घटा देंगे यम माइनस यम, यानी गुणा करते समय घाते जुड़ती हैं और भाग करते समय घाते क्या होती हैं, घट जाती हैं। बस यही कंसेप्ट था। इसके बाद आप देखेंगे नियम और एक कब होगा, जब आधार हमारा क्या रहेगा, समान होगा। अब ये रूट यहाँ पर आप जानते हैं करणी है, यहाँ पर आप कोई संख्या लिख सकता है या इस प्रकार लिख सकता है, यानी जब यहाँ पर कोई संख्या इसके सामने ना दिखाई दे तो वर्गमूल यानी दो यहाँ पर छिपा होता है और तीन लिख दिया यानी तीसरा मूल जिसे आप कहते हैं घनमूल, चार लिख दिया यानी चौथा मूल निकालना है, यानी यह है दूसरा मूल तीसरा मूल और चौथा मूल डाटा। इसी प्रकार जो छोटी संख्या इसके सामने ऊपर रहेगी रूट के वह उसका मूल से निकाल निकालना, यानी कि इसे वर्ग कहते हैं या स्क्वायर वर्गमूल कहते हैं और इसे घनमूल। अब देखिए आगे जैसे भी दे दिए इसी में कि इसको हमें बदलना है, किस रूप में बदलना है, जैसे आप क्वेश्चन करें भिन्नात्मक रूप में बदलना है तो आप इसको बदलेंगे कैसे, यहाँ पर जो होता है वर्ग है तो है तो यही बटे इसके घात वाले एक बटा हो जाएगा, यानी ए की पावर जब हम रूट हटाएंगे तो हो जाएगा वन बाई टू, यानी ये वाला नीचे चला जाएगा। सेम कंडीशन होगी यहाँ पर घात क्या हो जाएगा वन बाई थ्री, सेम कंडीशन यहाँ पर एक पावर वन बाई फोर, सब वही कंडीशन है। तो इस प्रकार हम जानते हैं, आगे देखिए नियम आपको बताया जाता है कि पढ़े होंगे फिर जो आते रहेंगे नियम किए। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन तो हमें किस रूप में बदलना, भिन्नात्मक रूप में बदलना है। तो देखिए कैसे बदलेंगे, अभी आपको बताएगा तो छोटा सा ये एक बटा के रूप में हो जाएगा, तो एक्स की पावर सिक्स वाई की पावर टू ब्रेकेट लगाएंगे और एक बटा तीन। अब देखिए कोष्टक लगा हुआ है इसलिए है अंदर गुणा करेगा, यानी क्या हो जाएगा एक्स की पावर सिक्स एकम सिक्स बटा थ्री, वाई की पावर
दो एकम दो बटा यानी कि x 3 × 6 वाई 2/3 तो ये आपका क्या हो गया आंसर। और ये किस रूप में हमें प्राप्त हुआ है? भिन्नात्मक रूप में प्राप्त हुआ है। बस आगे आया समझ में? अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अगला देखिए, कितनी बार रूट लगाया गया है, यानी कि वर्गमूल कितनी बार निकालना है? 1 बार 2 बार 3 बार उपयोग किया गया है, यानी कि आपको बताया गया है। क्या करेंगे इस वाले वर्गमूल वाला जो चिन्ह है, रूट का वाला जो चिन्ह है, इसको हटाने के लिए भी बताया गया है, यानी 2 बार लिख देंगे। तीसरे वाले को हटाएंगे तो अभी आपको नियम बताया, जैसे आप किसी भी संख्या को, यानी इस रूट को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1/2। चलिए तीसरा वाला हटा देते हैं, कितना हो जाएगा 1/1/2 होगा, कि ऊपर 8 है इससे गुणा करेगा तो 8/2। ठीक, अगला रूट लगाएंगे फिर पुनः हटाएंगे इसको जब हम, यानी कि 1/1 ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो जाएगा 4। अच्छा चलिए विस्तार से बता दिया जाए, ले लिख लीजिए एक बार, अब ये कितना हो गया 4, क्योंकि 2 = 8। इसको हटा दीजिए तो इसको हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा आपका, बटे में ही तो आएगा 1/2, फिर कितना हो जाएगा वही 2/√1/2। फिर जब इस वाले को हटाएंगे 1/2 होगा, यानी कि 1/2, यानी 1/2 का मतलब 1 ऊपर, यानी इसी संख्या से 1/2 से गुणा करेंगे तो ब्रेकअप वो 1 होगा, यानी 2/2। फिर कितना 2 से 2 कैंसिल, 1/1 को छिपा ही आपको कर देगा आंसर। तो सेम क्वेश्चन इसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, √x √y √z √w, यानी रूट के अंदर रूट होता चला जा रहा है। तो सबसे पहले आप w वाले रूट हटाएंगे तो हो जाएगा 1/2, यानी w^(1/2)। चलिए लिखकर बता दिया मैंने यहाँ पर, देखिए इस प्रकार है कुछ, x रूट x फिर रूट y फिर रूट z और क्या कुछ फिर रूट w। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो यक्स है कितने रूट के बीच में है, 1 y 2 z 3 और w 4, यानी सबसे अंदर वाले भाग को हल करना प्रारंभ करेंगे। जब आप हल करेंगे इसको तो हो जाएगा y^√1/2। जब इस जेड वाले को आप हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप जेड वाले को हटाएंगे, देखिए जेड वाले को 1/2 तो होगा इसको हटाएंगे, किंतु इसके ऊपर रूट लगा है 1/2। आप विस्तार से करेंगे तो हो जाएगा 1/4। फिर जब आप इसको हल करेंगे y^√1/2 y^√1/2 आइए इस पर जेड पर रूट लगाओ, फिर 1/1/2 हो जाएगा, और फिर इस पर भी 1/2 हो जाएगा, फिर आप x पर हटाएंगे तो 1/2 इसका, और ये सफल लगा इसलिए 1/2 फिर सफल हो जाएगा। अब x 1/2 y^√1/4 z^(1/3) है 1/8 z^ और w^(1/3)/4 16। विस्तार से लगाइएगा आ जाएगा समझ, इसको आप समझ लीजिए। सेम इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन, इसमें दो संख्या अलग अलग दी गई है, अलग अलग लगाएंगे और इसको हल कर देंगे। x आप कॉमन भी कर सकते हैं या जो भी दिया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, मिटा दिया जा रहा है, निम्नलिखित को कर्ली राशियों के रूप में, सेम इसी का अपोजिट करना है यानी उल्टा करना है, निम्नलिखित को क्या करना है, कर्लियों के रूप में व्यक्त करना है, कुछ नहीं। देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित को कर्लीगत राशियों में लिखना है, करी निम्नलिखित को
राशियों में थी। अब देखिए पहले क्वेश्चन आपको ये करना है, देखिए एग्जाम्पल देते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका है एक पावर माइनस दो बटा तीन अपान एक पावर तीन बटा एक पावर तीन बटा। अब देखिए इसमें आपका क्या होगा, अभी आपको एक नियम पता नहीं है सर, उस दिन बताया क्या होगा, यदि कोई घात किसी संख्या की घात क्या हो माइनस, यदि किसी संख्या की घात माइनस हो तो उसे हम एक बटा यानी जब हल में भेजेंगे वह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानी एक पावर है, यानी इसको किसी संख्या को हल में भेज दिया जाए तो वह संख्या धनात्मक हो जाती है। ठीक है, इसी का उल्टा या कोई संख्या हर भी हो माइनस हो उसे हम अंश में लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, ऊपर का नीचे कर लिए नीचे का ऊपर। तो यहाँ पर सेम हम एक कंडीशन देख रहे हैं कि अंश वाला क्या है माइनस में है, इसे हम नीचे लाएंगे यानी किसमें लाएंगे, ये तो पहले से ये तीन बटा चार और इंटू यानी कि भाग है नीचे का पूरा करेगा एक पावर में दो बटा चार दो बटा तीन है, इसको लाएंगे नीचे ये तो तीन बटा चार है ही, इसको जब हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस था प्लस हो जाएगा, अब पूरा छिपा हुआ है और ऊपर बचा गया ही यानी कि आपको एक बटा पूरा करते समय बेस को एक बार लिखेंगे दो बटा तीन प्लस तीन बटा यानी घात मिलेंगे यानी कि आपको क्या हो जाएगा बराबर वन अपान। अब देखिए इनका लासा क्या देंगे बारह एक पावर बारह, जब यहाँ बारह लिखेंगे तीन चार बार हो जाएगा चार गुना आठ, या आप ऐसे भी कर सकते हैं चार गुना आठ और चार दिया बारह और तीन चौक बारह तीन पूरा करके लगा सकते हैं यानी कि आप हो जाएगा वन अपान ट्वेल्व और एट हो जाएगा एक पावर ट्वेंटी अपान ट्वेल्व। अब हमें इसको भिन्नात्मक रूप में नहीं किस रूप में दिखाना है, करणी के रूप में दिखाना है। तो अभी आप क्या करते थे, यदि कोई संख्या करणी हो यानी कि मान लीजिए एक संख्या करणी में है कितना है बारह या छोटा सा, तो आप क्या करते थे इस बारह को इसकी पावर में भिन्न में लिख देते थे यानी बटे में लिख देते थे एक बटा बारह। ठीक है, अगर यही आपका हर में बारह जाए घात के हर में बारह जाए यानी इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, तो सेम कंडीशन जो अंश में है उसको छोड़ दिया जाएगा अंश में रहने दिया जाएगा और जो हर में है इस प्रकार लिख दिया जाएगा यानी कि आपका आंसर हो जाएगा वन अपान एक पावर अंश वाला छोड़ दीजिए बीस करो इतना बारहवा ये बारहवा मोड है ना, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में आंसर, जिस क्वेश्चन में आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला है तीसरा क्वेश्चन, देखिए अब इसके बाद तो आप लगा सकते हैं तीसरा चौथा पांचवा जो भी है इसको लगाइएगा, जो ना समझ में आए पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीन में क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीन में दिया गया है
पहला है 125 की पावर 2/3। देखिए ध्यान से, 1/3 का मतलब आपको क्या निकालना है, जितना अंश में रहेगा उतना, हर भी जितनी संख्या रहेगी बटे में उतने का ही आपको जोड़ा बनाना है, यानी कि उस उतने का ही बनाइए आप। 125 में गुणनखंड करेंगे तो जानते हैं 5 25 बार 5 5 3 1। अभी जो बटे में रहेगा उतने का ही जोड़ा बनाना है। यदि यही आपका 625 होगा तो आपका 5 जो कितनी बार आता, 4 बार। यदि यहाँ पर बटे में 4 आता तो 4 का जोड़ा बनाना, ठीक है, आया समझ में। अब जब कितने का जोड़ा बनाना, 3 का जोड़ा बनाना, यानी आप इसको लिख सकते हैं 5/3, क्योंकि हमें कितनी बार मिला, 3 बार मिला, 2/3, 5/3 × 2/3, अंश हर्ष कैसे, यानी 5² 3 है काटा गया, कुछ और समझिएगा, 5 × 25, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए सर इसी पर आधारित सब क्वेश्चन आप लगा लेंगे, जितने भी क्वेश्चन है। दूसरा दिया गया 64/3/2, 64 की पावर 3/2 है ना, तो क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे 64 का, यानी 8 का वर्ग होता है 8 का वर्ग 64 यानी 8² × 3/2, यानी इसको लिखेंगे 8 64 कौन लिख सकते हैं, 8 का वर्ग कोई अंतर 64 लिख सकते हैं, 3/2 दो से दो कैसे 8 पावर 3 = 512, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेम सूत्र आधारित क्वेश्चन नंबर 3, 1 की पावर -1/2, 1 की पावर -1/2 को बटे में करेंगे, यानी 1/1 की पावर, यानी इस प्रकार लिख देंगे 1/1 की पावर 1/2 प्लस में हो जाएगा। अब आगे कितना दिया गया है, 9 की पावर -1/2, इसको हम पलट देंगे, यानी कितना हो जाएगा, जब इसको हम नीचे लेंगे 1/9 की पावर 1/2 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते बराबर 1/2, 9 की पावर 9 को लिख सकते 3 की पावर 2, इसके करना कोई अंतर। अब आ गया है 1/2 2 से 2 करके 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आसान सब बनाते जाएंगे, इसी प्रकार 4th 5th 6th 7th 8th भी कुछ नहीं है, 625 तक कितने 1/4 है, यानी 625 का 5 से गुणनखंड करेंगे, यानी कि आएगा 5 × 4, अब आ रहा है 1/4 4 से, यानी 5 हो गया। उसके बाद गुणे में है 256, यानी 8 बार बनेगा, इसको माइनस में नीचे लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि आपको क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी 8 5 5 5/8 आंसर हो जाएगा आपका, जो आपका कौन सा क्वेश्चन है 8वां 3 से 8वां, इसमें जो आपका 5/8 आंसर हो जाएगा, लगा लीजिएगा। चलिए आइए नौवें क्वेश्चन पर, नौवां क्वेश्चन आपका दिया गया है, 11 × √3 यानी घनमूल में 11 × 5वां मूल 11 का 3/3। देखिए इसमें आप ध्यान देंगे दो चीज का, जब इस प्रकार बड़े रूट की कोई संख्या लिखकर रूट के बाहर इस प्रकार लगाओगे तो ये यहाँ पर बुरा का संबंध है, इसे तीसरा मूल नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है। अगर इस प्रकार है, यानी कि छोटा अस्थिन इस जैसे लिखा गया हो, यानी इसके ठीक ऊपर लिखा गया हो, तो इसे मूल पढ़ते हैं, तीसरा मूल चौथा मूल, जिसे आप घनमूल और वर्गमूल, यानी ये घनमूल हो गया, दो रहेगा तो वर्गमूल हो जाएगा, उसके बाद संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं तीसरा चौथा सातवां मूल, ठीक है। देखिए भागे,
अगला है बटे में है रूट 13 इंटू पांचवा तेरह का 15वां 169 का 15वां भागे रूट में 13। सबसे पहले आपको बताया गया है इसको आप भिन्नात्मक रूप में यानी करणी को हमें हटाना तभी हल कर आसान। तो रूट को हटाने के लिए नियम बताया गया क्या करेंगे सबसे पहले, यानी यहाँ 2 छिपा हुआ है 11 की पावर 1/2, यहाँ 3 है ये बुरा का चिन्ह है इंटू यानी बुरा 11 की पावर 1/2 जो इससे रहेगा उसको पटेल कर लेंगे घर में बुढ़े 11 की पावर 1/5 भागे 11 की पावर 1/3। अब यहाँ देखिए 13 की पावर 1/2 13 की पावर 1/5 बुढ़े। अब अगला आपका क्या है 15 यानी 169 को हम क्या लिख सकते हैं 13 की घात 2 कोई अंतर 169 तो होगा। अब ये वाला मान होगा 1/15 भागे 13 की पावर 1/2। चलिए जितना तो बुरा है मतलब हम क्या करें बुरा करते समय घाते जुड़ती हैं तो इनको जोड़ लेंगे तीनों को पूरा होगा बेस हमारा समान है 11 11 11 यानी 11 परिवार लिखेंगे बुरा पद के समय घाते जो है 1/2 1/3 1/5 आपस में जुड़ेंगे यानी 1/2 + 1/3 + 1/5 ये इसकी घात है। अब भागे 11 की पावर 1/3 इसको ऐसे ही जाने दें। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर सेम भी बुरा है तो क्या हो जाएगा 13 सबका बेस है 1 बार लिखेंगे 1/2 + 1/5 + 2 1 2/15 भागे 13 की पावर 1/2 यहाँ तक आए समझ कोई बात नहीं ना आए समझ कुछ लीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 11 की पावर इनका जो लासा लेंगे जिस प्रकार भी है आप देखिए बुरा भी कर सकते हैं इनका लासा क्या हो जाएगा 5 × 15 = 30 जब आप यहाँ 30 रखेंगे 2 से कटेगा तो 15 हो जाएगा यही लासा 30 यहाँ रखेंगे 3 से कटेगा तो 10 हो जाएगा यहाँ रखेंगे तो 6 बार हो जाएगा। अब आगे 1/30 यहाँ 13 का सेम इसी प्रकार 15 × 30 यहाँ पर भी हो जाएगा कितना 13 की पावर 30 चलिए ऊपर दिखाई दिखाई क्या था 11 पावर 15 + 10 + 6/30 ये तो घात क्यों 11 का और 13 का क्या था भाग 1/30 13 का जब करेंगे आप तो इनका लास्ट हर का 30 यहाँ रखेंगे तो 15 + 30 यहाँ रखेंगे तो 6 यहाँ रखेंगे तो 2 भागे 13 की पावर 1/2 अभी क्या होगा बराबर में 15 + 10 = 25 और 6 11 की पावर 31 = 30 भागे 11 की पावर 1/30 यहाँ 13 की पावर 15 × 6 = 23 इसी को तो मिस्टेक कहते हैं।
एक बटा दो, एक बटा पांच, दो बटा पंद्रह। ओ यहाँ पर देखिए दो है, यानी जब आप तीस रखेंगे दो बार कटेगा, तो दो दूना चार हो जाएगा, दो दूना चार, क्योंकि दो पहले से था, दो बड़ा हो जाएगा, यानी ये हम बनेगा पच्चीस बटा तीस भागी तेरह पावर एक बटा दो। अब आप जानते हैं कि नियम है एक पावर या भागी एक पावर एन बराबर होता है एक पावर या माइनस एन, बात करते समय क्या होती है घटती है, इसलिए इसको घटाएंगे, यानी कितना हो जाएगा ग्यारह की पावर या तो तीस बटा तीस माइनस एक बटा तीस, तेरह की पावर पच्चीस बटा तीस माइनस दो बटा दो बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देख लीजिए वे समान है आधार, आधार समान है, इसलिए एक बार हो जाएगा इकतीस में से इसको घटाएंगे तो तीस हो जाएगा एक बटा तीस, और तेरह यहाँ पर उनका लॉस है तीस और तीस को यहाँ की तीस तीस कैंसिल है पच्चीस, और यहाँ पर तीस रखेंगे तो पंद्रह, कितना आएगा आपका ग्यारह तीस तीस से कैंसिल हो जाएगा, तेरह में से कितना घटाएंगे पंद्रह पच्चीस में से पंद्रह घटाएंगे दस बटा तीस, जीरो जीरो कैंसिल ग्यारह बटा तेरह की पावर एक बटा तीन आपका आंसर। चलिए इतना रहने दीजिए, आगे कल बता दीजिए।